मुसाकर हिरमल मौजूद आहिनि, तमामु वॾा सियासतदान आहिनि बलोचिस्तान जा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाब जा सीनियर रहनुमा आहिनि। ज़हूर बुलेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर, बेहद मशहूर शुक्रगुज़ार, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ज़हूर बुलेदी साहब, आप कैसे देखते हैं पीपल्स पार्टी का आज यौम तासीस का जलसा, आपकी नज़र में किस कदर कामयाब? और एक्सपेक्ट किया जा रहा था सर कि अब्दुल कुद्दूस बदंजोर साहब शायद ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने भी हतमी फैसला अभी तक नहीं किया है। अंदर की कोई कहानी है आपके पास सर, किस तरह जोड़ तोड़ हो रहा है? क्योंकि बाप पार्टी के पहले ही 8 अरकान नून लीग जा चुके हैं, 2 पीपल्स पार्टी जा चुके हैं, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जो 13 के करीब लोग बचे हैं सालेह महमूद भूटानी साहब के साथ, उनमें से भी कुछ विकटें गिरेंगी। बुलेदी साहब देखें जी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है बड़ा कामयाब और जबरदस्त यौम तासीस का जलसा हुआ है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों तशरीफ लाए थे। कारकुनों में जोश और वलवला था, मुल्क भर से कारकुनान आए हुए थे, खुसूसन बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से और हर डिवीजन से जो है लोगों के काफिले जो है क्वेटा पहुंचे हुए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा है और एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है आने वाली इलेक्शन में जो है मैदान मार लेगी। और जहां तक आपने बाप पार्टी की बात की, देखें बाप पार्टी जो है वो तकरीबन अक्सर बेशतर लोग उन्हें छोड़ के गए हैं, कुछ रहते हैं शायद वो इलेक्शन कंटेस्ट करें और कुछ 3-4 सीटें वो ले आए, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो 2018 में बाप पार्टी को मिली थी वो जो है अब मुमकिन नहीं है। और क्या कोई इलेक्टेबल सर आपको बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी में जाते हुए नजर आ रहे हैं? आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी। देखें सियासी रबते जो हैं वो तो चलते रहते हैं, अब इलेक्शन करीब आ गए हैं तो ये तो सियासी गठजोड़ और रबते इलेक्टेबल्स को जो है वो हर पार्टी कोशिश करती है कि कायद करें, अपनी तरफ ले आए। तो बलूचिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है और पीपल्स पार्टी ने जो है अच्छे खासे इलेक्टेबल्स जो हैं उनको अपने साथ मिला लिया है और लोगों से भी रबते में है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन है वो बेसिकली वो इलेक्टेबल्स के बलबोते पे नहीं है, वो जो है उसकी माजी की कारकर्दगी जो बलूचिस्तान के लिए जो आईनी लेजिस्लेशन किए हैं और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जो बलूचिस्तान में लिया है, आगाज होकर बलूचिस्तान जो दिया है, तो उस बुनियाद पर जो है